हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में दो चीजें पढ़ी, एक्यूरेसी और कंफ्यूजन मैट्रिक्स। और वहां पे हमने ये भी पढ़ा कि टाइप वन और टाइप टू एरर क्या होता है। और फिर हमने डिस्कस किया था कि कुछ केसेस में एक्यूरेसी उतना अच्छा मैट्रिक नहीं रहता है, इनफैक्ट आपको मिसलीड कर सकता है, आपको गुमराह कर सकता है। ठीक है, तो हमने फिर डिस्कस किया था कि दो और मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे जो आपको तब हेल्प कर सकते हैं जब आपको एक्यूरेसी हेल्प नहीं कर पा रहा, और उनका नाम है प्रिसिजन एंड रिकॉल। इस वीडियो में हम लोग प्रिसिजन, रिकॉल और एक और मैट्रिक जिसको हम F1 स्कोर बोलते हैं वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब गाइज, बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट प्रिसिजन एंड रिकॉल, एक बार मैं आपको फिर से रिविजन दे रहा हूं कि एक्यूरेसी कब फेल कर सकता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि अगर आपके पास इम्बैलेंस डेटा सेट है, मतलब आपके डेटा में जो दो क्लासेस हैं उनके बीच का रेशियो अगर इम्बैलेंस्ड है, एक रेशियो बहुत ज्यादा, मतलब एक क्लास बहुत ज्यादा और दूसरा क्लास बहुत कम, तो उसको हम इम्बैलेंस्ड रेशियो बोलते हैं। उसका एक एग्जाम्पल ये हुआ कि हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, कि हम एक मॉडल बना रहे हैं जो एयरपोर्ट पे वीडियो से डिटेक्ट करेगा कि कोई टेररिस्ट है कि नहीं। और रियल टाइम हमारे पास जो डेटा था उसमें 999 लोग टेररिस्ट नहीं थे और सिर्फ एक बंदा टेररिस्ट था, राइट? तो अब यहां पर क्लियरली यू कैन सी कि देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द टू क्लासेस, नॉट अ टेररिस्ट, टेररिस्ट में बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। अब अगर आप एक ऐसा मॉडल बनाओ जो बोलता है कि कोई भी टेररिस्ट नहीं है, तो इस मॉडल का अगर आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करो तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। टेररिस्ट, टेररिस्ट था, टेररिस्ट डिटेक्ट हुआ, ऐसा कोई भी नहीं है। टेररिस्ट था, टेररिस्ट नहीं डिटेक्ट हुआ, ऐसा एक बंदा है। टेररिस्ट नहीं था, टेररिस्ट डिटेक्ट हुआ, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है। और टेररिस्ट नहीं था और टेररिस्ट नहीं डिटेक्ट हुआ, ऐसे बाकी 999 लोग हैं। सो दिस इज द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। और आपको पता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स से एक्यूरेसी कैसे निकाला जाता है मॉडल का? आप ये डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देते हो और टोटल से डिवाइड कर देते हो। So this will be the accuracy of this model, 99.9%. So clearly, ये यहाँ पे accuracy fail कर रहा है। This is not an ideal scenario जहाँ पे आपको accuracy use करना चाहिए, ठीक है? तो क्या problem, क्या solution है? दो solution है हमारे पास। हम या तो precision use कर सकते हैं या फिर हम recall use कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग precision के बारे में पढ़ाई करेंगे। So let's start with precision. प्रिसिजन की पढ़ाई करने के पहले व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। आपका काम होगा वीडियो को पॉज करके उसको आंसर करना, ठीक है? मान लो आप एक मैनेजर हो एक कंपनी में और आपने अपने दो जूनियर्स को प्रोजेक्ट दिया ईमेल स्पैम क्लासिफायर बनाने का, और आपने बोला कि दोनों में से जिसका मॉडल बेटर होगा वही मॉडल हम अपनी वेबसाइट में डिप्लॉय करेंगे। मान लो आप जीमेल के अंदर काम करते हो, ठीक है? तो अब उन्होंने, दोनों लोगों ने एक एक मॉडल बनाया। ये मॉडल ए है और ये मॉडल बी है। ये दो अलग लोगों का मॉडल है और नॉर्मल कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। और अब आपका काम क्या है कि आपको इन दोनों को देख करके किसी एक को सेलेक्ट करना है। सो एक बार वीडियो पॉज करो और ट्राई करो खोजने का कि आप ए को डिप्लॉय करोगे या फिर आप बी को डिप्लॉय करोगे, ठीक है? ओके, सो इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान दो तो दोनों ही मॉडल्स का एक्यूरेसी एग्जैक्टली सेम है। देखो ये दोनों नंबर्स कितने हुए, 800, दोनों केसेस में इट इज 800 डिवाइडेड बाय टोटल करोगे तो 1000 आ रहा है। तो दोनों ही मॉडल्स का एक्यूरेसी कितना आ रहा है, 80%। सो एक्यूरेसी के बेसिस पे तो आप दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि क्या चीज के बेसिस पे किया जा सकता है। तो यहां पर अगर आप देखो डिफरेंस इन दो नंबर्स में, इन दो नंबर्स में डिफरेंस है, राइट? सो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसको बोला जाता है फॉल्स पॉजिटिव और इसको बोला जाता है फॉल्स नेगेटिव, ठीक है? सो अगर आप देखो मॉडल ए जो है उसका फॉल्स पॉजिटिव इज ग्रेटर देन मॉडल बी का फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है? सो फॉल्स पॉजिटिव ऑफ ए इज ग्रेटर देन फॉल्स पॉजिटिव ऑफ बी, वेर एज फॉल्स नेगेटिव ऑफ ए इज लेस देन फॉल्स नेगेटिव ऑफ बी। हमारे पास ये दो रिलेशनशिप है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों टाइप के एरर्स को इस प्रॉब्लम के हिसाब से डिस्कस करते हैं। सो यहां पे फॉल्स पॉजिटिव क्या बताता है?
फॉल्स पॉजिटिव बताता है कि कोई ऐसा ईमेल था जो कि स्पैम नहीं था, बट हमारे मॉडल ने उसको स्पैम कंसिडर किया। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव क्या बता रहा है? फॉल्स पॉजिटिव बता रहा है कि आपने एक नॉट स्पैम ईमेल को स्पैम बोल दिया, ये एक टाइप की गलती हो गई। वेयर एज फॉल्स नेगेटिव क्या बता रहा है कि आपने एक स्पैम को नॉट स्पैम बोल दिया। राइट, अब सोच के देखो इन दोनों गलतियों में से ज्यादा खतरनाक गलती कौन सी है? एक ऐसे ईमेल को स्पैम बोल देना जो स्पैम नहीं है, ये एक टाइप की गलती है, और एक ऐसे ईमेल को स्पैम नहीं बोलना जो स्पैम है, ये दूसरे टाइप की गलती है। दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन सा है? आपको आई गेस समझ में आ रहा है। इमेजिन करो आपका प्लेसमेंट हुआ और सामने वाली कंपनी ने आपको एक मेल भेजा कि इस मेल का रिप्लाई करो दैट यू वॉन्ट प्लेसमेंट, और वो मेल स्पैम कैटेगराइज हो गया जबकि वो स्पैम नहीं था, तो आपकी जॉब गई। तो ऑब्वियसली इस केस में ज्यादा खतरनाक जो गलती है वो है फॉल्स पॉजिटिव वाली गलती, फॉल्स पॉजिटिव वाली गलती। सो हम उस मॉडल को सेलेक्ट करेंगे जो फॉल्स पॉजिटिव वाली गलती कम करेगा, और वो मॉडल कौन सा है? मॉडल बी। यहां पे आप ज्यादा खतरनाक गलती कम कर रहे हो, इसलिए एज अ मैनेजर आप बी को डिप्लॉय करोगे, यू विल डिप्लॉय मॉडल बी। अब इसी को बोला जाता है प्रिसिजन, इसी को बोला जाता है प्रिसिजन। प्रिसिजन का डेफिनेशन होता है कि प्रपोर्शन ऑफ प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स वर्सेस ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, मतलब या फिर इस लैंग्वेज में पढ़ते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स इज ट्रूली पॉजिटिव। सो जितनी चीजों को आपने पॉजिटिव बोला है उनमें से कितनी चीजें सच में पॉजिटिव है, इसी को बोला जाता है प्रिसिजन। फिर से सुनना, जितनी चीजों को आपने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया है उतनी चीजों में कौन सी चीजें सच में पॉजिटिव है, इस रेशो को बोला जाता है प्रिसिजन। ठीक है, और ये निकाला कैसे जाता है? ये निकाला जाता है यूजिंग दिस फॉर्मूला, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, मतलब आपने इतनी चीजों को पॉजिटिव बोला, इनमें से कितनी चीजें सच में पॉजिटिव हैं, ये रेशियो आपको निकालना है। और वो कैसे निकालोगे? आप ट्रू पॉजिटिव को डिवाइड कर दोगे टोटल जितनी चीजों को आपने पॉजिटिव बोला है। ठीक है, अब ऊपर अगर हम जाएं तो यहां पर आप देखो, अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रिसिजन कैसा है दोनों मॉडल्स का, तो आपको झट से आपका आंसर मिल जाएगा। मैं एक बार इरेज कर रहा हूं। सो इस केस में अगर आप मॉडल ए का प्रिसिजन निकालो, प्रिसिजन ऑफ मॉडल ए वुड बी 100 ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 100 प्लस 30। ठीक है, और यहां पे मॉडल बी जो है उसका प्रिसिजन होगा 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10। अब अगर आप सोच के देखो, यहां पे डिनोमिनेटर में ज्यादा बड़ा नंबर है तो प्रिसिजन ऑफ ए विल बी प्रिसिजन लेस देन प्रिसिजन ऑफ बी, मतलब मॉडल बी का प्रिसिजन ज्यादा है। ठीक है, तो आप मॉडल बी को किस बेसिस पे सेलेक्ट करोगे कि इस मॉडल का प्रिसिजन इज हायर देन द प्रिसिजन ऑफ मॉडल ए। ठीक है, एंड दैट्स इट, प्रिसिजन यही होता है, दैट्स इट। जस्ट मेक श्योर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई। चलो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स की, विच इज रिकॉल। ठीक है, रिकॉल समझाने के लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, और वो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है। मान लो आप फिर से एक मैनेजर हो और आप एक मॉडल क्रिएट कर रहे हो किसी हॉस्पिटल क्लाइंट के लिए। आप एक मॉडल बना रहे हो जो चेस्ट एक्सरे देख करके डिटेक्ट करेगा कि कैंसर है या नहीं। ठीक है, आपने फिर से अपने दो जूनियर्स को दो अलग मॉडल्स बनाने के लिए दिया और आपने बोला जिसका भी मॉडल बेटर होगा हम उसको ही डिप्लॉय करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, सो दिस इज मॉडल ए एंड दिस इज मॉडल बी। दोनों मॉडल्स बन के आ चुके हैं। अब एज अ मैनेजर आपका काम है डिसाइड करना कि कौन सा मॉडल आपको डिप्लॉय करना है। सो फिर से वीडियो को एक बार पॉज करो और डिसाइड करो कि इन दोनों में से कौन से मॉडल को आप डिप्लॉय करोगे। सो एज यू कैन सी, फिर से अगर आप एक्यूरेसी कैलकुलेट करने जाओ, दोनों मॉडल्स का एक्यूरेसी जो है वो 90% है।
क्योंकि डायगनल एलिमेंट्स सेम है, तो मॉडल ए और मॉडल बी दोनों का एक्यूरेसी फिर से 90% है, ठीक है। तो एक्यूरेसीज आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? आप डिफरेंशिएट कर सकते हो टाइप वन एरर के बेसिस पे या टाइप टू एरर के बेसिस पे, फॉल्स पॉजिटिव के बेसिस पे या फॉल्स नेगेटिव के बेसिस पे। सो यहां पर आप देखो, ये रहा फॉल्स पॉजिटिव और ये रहा फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। अब फिर से यहां पर जो दोनों गलतियां हैं, जो टाइप वन एरर है और जो टाइप टू एरर है, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सो यहां पे फॉल्स पॉजिटिव क्या होगा? बाय द वे, यहां पे वन होने का मतलब है कैंसर डिटेक्ट हुआ, जीरो का मतलब कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ। तो फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है कोई पेशेंट के अंदर आपने कैंसर डिटेक्ट किया बट उसको कैंसर नहीं था, दैट इज फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। और फॉल्स नेगेटिव क्या होता है? किसी को कैंसर था बट आपके मॉडल ने बोला उसको कैंसर नहीं है, यही डिफरेंस है। अब फिर से सोच के देखो, आप फॉल्स पॉजिटिव आपके लिए ज्यादा डेंजरस है या फॉल्स नेगेटिव आपके लिए ज्यादा डेंजरस है? आपने एक पेशेंट को कैंसर नहीं था, आपने बोला कैंसर है, ये ज्यादा डेंजरस है, या फिर एक पेशेंट को जिसको कैंसर था उसको आपने बोला कैंसर नहीं है, वो ज्यादा डेंजरस है? ऑब्वियसली जिसको कैंसर है और आपने डिटेक्ट नहीं किया, नहीं बताया, वो ज्यादा डेंजरस है, बिकॉज वो चिल मार के अपनी लाइफ जिएगा और फिर एक दिन मर जाएगा, राइट? ज्यादा डेंजरस इस केस में फॉल्स नेगेटिव है। सो यहां पर यू कैन सी मॉडल बी जो है वो फॉल्स नेगेटिव ज्यादा दे रहा है और मॉडल ए फॉल्स नेगेटिव कम दे रहा है। तो क्लियरली यू कैन सी बेस्ड ऑन दिस फैक्ट आप बोल सकते हो कि यू विल डिप्लॉय मॉडल ए, क्योंकि वो फॉल्स नेगेटिव वाली गलतियां, टाइप टू वाली गलतियां कम कर रहा है, ठीक है। और इसी को बोला जाता है गाइस रिकॉल, इसी को बोला जाता है रिकॉल। सो अगेन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव्स इज करेक्टली क्लासिफाइड, जितने सच में पॉजिटिव्स हैं उनमें से कितने को सही से डिटेक्ट किया गया, मतलब जितने लोगों को सच में कैंसर था उसमें से कितने लोगों को कैंसर डिटेक्ट किया गया, दैट इज व्हाट रिकॉल इज। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। अब अगर हम ऊपर जाएं और इन दोनों केसेस में अगर हम निकालें रिकॉल कितना होगा, सो रिकॉल ऑफ ए वुड बी 1000 डिवाइडेड बाय 1200, राइट, और रिकॉल ऑफ बी कितना होगा 1000 डिवाइडेड बाय 1500। सिंस ये नंबर बड़ा है, रिकॉल ऑफ बी छोटा आएगा, और इससे आप प्रूव कर सकते हो कि सिंस रिकॉल ऑफ ए इज ग्रेटर देन रिकॉल ऑफ बी, आप मॉडल ए को सेलेक्ट करोगे, एंड दैट इज व्हाट रिकॉल इज, ठीक है। सो एट द एंड अगर आपके पास एक्यूरेसी का सहारा नहीं है तो आपके पास दो और मेट्रिक्स आते हैं, एक होता है प्रिसिजन, एक होता है रिकॉल। बट इन दोनों को यूज करने के प्रोसेस में आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके प्रॉब्लम का नेचर क्या है, क्या टाइप वन वाली गलतियां ज्यादा खतरनाक है या टाइप टू वाली गलतियां ज्यादा खतरनाक है। अगर टाइप वन वाली गलतियां ज्यादा खतरनाक है तो आप हाई प्रिसिजन मॉडल को पकड़ोगे, अगर टाइप टू वाली गलतियां ज्यादा खतरनाक है तो आप हाई रिकॉल मॉडल को पकड़ोगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक का डिस्कशन क्लियरली समझ में आ रहा है। अब गाइस कभी कभी क्या होगा कि आप एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे जहां पे आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि टाइप वन एरर ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, या टाइप टू एरर ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। लेट्स से आप एक क्लासिफायर बना रहे हो जो फोटोज देख करके ये प्रिडिक्ट करेगा कि उस फोटो में कैट है या डॉग है। इट्स अ बाइनरी क्लासिफायर, आउटपुट वन इज डॉग, आउटपुट जीरो इज कैट, ठीक है। अब यहां पर टाइप वन एरर और टाइप टू एरर दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन सा है हमें नहीं पता। टाइप वन एरर क्या है? आपने एक कैट को डॉग बता दिया, और टाइप टू एरर क्या है? आपने एक डॉग को कैट बता दिया। अब यहां पे यू कैन नॉट से कि ये मॉडल हाई प्रिसिजन मॉडल है या फिर हाई रिकॉल मॉडल है। इस केस में आपको दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं, और दोनों चीजों को देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली क्योंकि दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ होता है, प्रिसिजन और रिकॉल के बीच में एक ट्रेड ऑफ होता है। अगर आप प्रिसिजन बढ़ाने जाते हो
तो रिकॉल घट जाता है, और अगर आप रिकॉल बढ़ाने जाते हो तो प्रिसीजन घट जाता है। इसके बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, बट इस पॉइंट पे ऐसा समझो कि अगर आप एक ऐसे प्रॉब्लम के साथ काम कर रहे हो जहां पर यू कैन नॉट डिफाइन कि टाइप वन ज्यादा डेंजरस है या टाइप टू एरर, इन दैट केस आपको दोनों चीजों को देखना पड़ता है और दोनों चीजों को साथ में देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए लोगों ने एक थर्ड मेट्रिक इंट्रोड्यूस किया जिसको हम F1 स्कोर बोलते हैं। अब F1 स्कोर खुद में कुछ स्पेशल चीज नहीं है, इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हम एवरेज निकाल देते हैं प्रिसीजन और रिकॉल का, बट ये जो एवरेज होता है ये अरिथमेटिक मीन नहीं होता, ये ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं होता, ये हार्मोनिक मीन होता है। मतलब अगर आप F1 स्कोर का फॉर्मूला देखो, F1 स्कोर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 PR डिवाइडेड बाय P+R, 2 प्रिसीजन का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रिकॉल का वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आप क्या चाहते हो कि आप अगर आपका मॉडल में से आपके मॉडल में अगर प्रिसीजन या रिकॉल में कोई भी चीज कम है तो आप चाहोगे कि आप उस मॉडल को पेनलाइज करो। ठीक है, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। हार्मोनिक मीन क्या करता है? हार्मोनिक मीन एक ऐसा मैथमेटिकल चीज है जो हमेशा लो वाले के साइड रहता है, मतलब लोअर वैल्यू के साइड रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास प्रिसीजन का वैल्यू 0 है और रिकॉल का वैल्यू 100 है। ऐसा कोई मॉडल होगा नहीं, मान लेते हैं ऐसा है। तो अगर आपने F1 स्कोर कैलकुलेट किया होता यूजिंग अरिथमेटिक मीन, तो आप क्या करते? P+R डिवाइडेड बाय 2 करते, और गोइंग बाय दिस लॉजिक आपका F1 स्कोर कितना होता? 50। बट सिंस आपने हार्मोनिक मीन यूज किया है, अब अगर आप F1 स्कोर कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा? 0, विच इज क्लोजर टू प्रिसीजन का वैल्यू विच इज 0। मतलब इसका ये हुआ कि आपका F1 स्कोर पेनलाइजेस द मॉडल अगर कोई भी चीज प्रिसीजन या रिकॉल में से कम होती है, मतलब आप हमेशा लोअर वाली साइड रहोगे। ठीक है, F1 स्कोर क्या करेगा? हमेशा लोअर वाली साइड रहेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास एक मॉडल है, मॉडल ए, इसका प्रिसीजन और रिकॉल दोनों 80 है। ठीक है, मेरे पास एक और मॉडल है, मॉडल बी, और इसका प्रिसीजन है 60 और इसका रिकॉल है 100। ठीक है, अब अगर आप कैलकुलेट करो, मतलब अगर आप दोनों का एवरेज निकालो, अगर F1 स्कोर एवरेज निकाल करके निकालोगे तो वो आएगा 80 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 80, और यहां भी 100 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 80। बट हम ऐसे नहीं निकालते, हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं। सो अगर हम हार्मोनिक मीन निकालें तो ये हो जाएगा 2 × 160 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 और 40 हो गया और ये आ जाएगा वापस 80। सो इस मॉडल का F1 स्कोर एक्चुअली कितना है? 80। अगर आप सेकेंड वाले का निकालो तो ये होगा 2 × 60 × 100 / 60 + 100। ठीक है, आप ये कैलकुलेट करके देख लेना, वैसे ये वैल्यू आता है 75। तो सिंस इस केस में प्रिसीजन कम है तो आपका F1 स्कोर कम हो गया और 75 हो गया। तो उसने क्या किया, मॉडल बी को पेनलाइज किया कि क्यों तुम्हारा प्रिसीजन कम है, अगर तुम्हारा प्रिसीजन कम है तो F1 स्कोर भी कम होगा। हार्मोनिक मीन का यही प्रॉपर्टी होता है कि वो हमेशा लोअर वैल्यू की साइड रहता है, हायर वैल्यू की साइड नहीं रहता। अरिथमेटिक मीन का प्रॉपर्टी क्या रहता है? एकदम सेंटर में रहता है। ठीक है, अगर ये लाइन है, अरिथमेटिक मीन हमेशा सेंटर में रहेगा और हार्मोनिक मीन कहीं यहां पर रहेगा, लोअर वाली साइड पे। तो द होल आइडिया ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला इज टू पेनलाइज द लोअर वैल्यू। अगर आपके मॉडल का प्रिसीजन या रिकॉल दोनों में से कुछ भी कम है तो आपका F1 स्कोर उसकी तरफ रहेगा। ठीक है, पेनलाइज करोगे। तो ये एक सिंगल मेट्रिक है जो आपको हेल्प करता है समझने में कि आपके मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है। सो अब अगर आपको प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर समझ में आ गया, मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं कि आप scikit-learn में कैसे ये सब कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये वही एग्जांपल चल रहा है जहां पे मैंने
कैलकुलेट किया था, एक मॉडल बनाया था, दो मॉडल्स बनाए थे इनफैक्ट हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन के लिए. मैंने एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बनाया था, मैंने एक डिसीजन ट्री मॉडल बनाया था. और अब मैंने क्या किया, सिंस मेरे दोनों मॉडल्स ट्रेन हो चुके हैं, मैंने sklearn.metrics से ये तीन मेट्रिक्स इंपोर्ट किया, रिकॉल स्कोर, प्रिसीजन स्कोर, F1 स्कोर. सबसे पहले मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल के लिए आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्लॉट किया है, और उसके बाद मैंने प्रिसीजन कैलकुलेट किया है, रिकॉल कैलकुलेट किया है, F1 स्कोर कैलकुलेट किया है यूजिंग दीज थ्री फॉर्मूलास, एंड दिस इज द रिजल्ट गाइस. सो प्रिसीजन फॉर दिस इज 0.82, रिकॉल इज 1, F1 स्कोर इसलिए घट के देखो 0.82 की साइड चला गया, दैट इज 0.90. ठीक है, फिर मैंने बाय द वे यहां पे मैंने गलत लिखा है, दिस हैज टू बी डिसीजन ट्री. डिसीजन ट्री मॉडल के लिए जब मैंने सेम काम किया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्लॉट किया, प्रिसीजन कैलकुलेट किया, रिकॉल कैलकुलेट किया और F1 स्कोर कैलकुलेट किया, तो दिस वाज द रिजल्ट. मेरा प्रिसीजन था 0.79, मेरा रिकॉल था 0.93, एंड दैट इज व्हाई मेरा जो F1 स्कोर है वो थोड़ा सा प्रिसीजन की तरफ टिल्टेड है. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर यूजिंग scikit-learn. ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन तो हो गया गाइस. अब मैं आपको एक ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जो जनरली आपको दूसरी जगह पे नहीं मिलता है, क्योंकि मैं खुद जब वो चीज पढ़ने का ट्राई कर रहा था मुझे इनफ रिसोर्सेज नहीं मिले. सो हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, मतलब आपके पास दो से ज्यादा क्लासेस हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन का केस नहीं है, तो उस केस में आप प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हो, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट. सो गाइज, नाउ वी विल लर्न कि आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के सेटअप में प्रिसीजन और रिकॉल वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करते हो. ठीक है, अब देयर इज अ स्लाइट वार्निंग, मल्टी क्लास सिनेरियो में प्रिसीजन और रिकॉल थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट होता है. इनफैक्ट मैं आपसे थोड़ी देर डिस्कशन करूंगा कि बाइनरी क्लासिफिकेशन जिसमें दो क्लासेस हैं और मल्टी क्लासिफिकेशन जिसमें दो से ज्यादा, लेट्स से तीन क्लासेस हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है. सो डिफरेंस ये होता है कि जब आप टू क्लास क्लासिफिकेशन करते हो तो मोस्टली आपके पास यस और नो टाइप की क्लासेस होती है, कैंसर है नहीं है, स्पैम है नहीं है, बारिश होगी नहीं होगी, प्लेसमेंट होगा नहीं होगा. तो हम एक्चुअली सिर्फ पॉजिटिव क्लास पे ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे ईमेल स्पैम क्लासिफायर में स्पैम है कि नहीं वो ज्यादा फोकस में है, कैंसर डिटेक्शन वाले में कैंसर है कि नहीं वो ज्यादा फोकस में है, प्लेसमेंट होगा कि नहीं उसमें प्लेसमेंट होना ज्यादा फोकस में है. ठीक है, मतलब वन ज्यादा फोकस में रहता है. तो हम जब भी बातचीत करते हैं ना, हम हमेशा वन के टर्म्स में बातचीत करते हैं. सो अगर मैं आपको दिखाऊं, जब मैंने आपको प्रिसीजन पढ़ाया, मैंने यहां पे देखो क्या लिखा, मैंने लिखा कि व्हाट प्रपोर्शन ऑफ प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स इज ट्रूली पॉजिटिव. देखो पूरा फोकस इस बार किस पे है, पॉजिटिव पे. पॉजिटिव मतलब वन वाले क्लास के ऊपर, जीरो के ऊपर कोई फोकस ही नहीं है. बट एक्चुअली क्या होता है कि बिहाइंड द सीन्स जब आप एकदम प्योर मैथमेटिक्स का बात करते हो तो आप दोनों क्लासेस के ऊपर फोकस करते हो. आप जब प्रिसीजन निकालोगे तो आप सिर्फ पॉजिटिव वाले का प्रिसीजन नहीं निकालते हो, आप बिहाइंड द सीन्स नेगेटिव वाले का भी निकालते हो, आप ये भी निकालते हो. इनफैक्ट आई कैन प्रूव यू दिस. अगर मैं वापस जाऊं और ये जो कोड मैंने अभी आपको दिखाया था, इस कोड में हमने क्या किया, प्रिसीजन स्कोर जब निकाला तो एक सिंगल वैल्यू आ रही थी, राइट. बट एक्चुअली बिहाइंड द सीन सिंगल वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुआ था, दो वैल्यूज कैलकुलेट हुए थे, एक पॉजिटिव क्लास के लिए, एक नेगेटिव क्लास के लिए. मैं आपको दिखाता हूं. सो अगर मैं फिर से एक बार, मुझे रन ऑल करना पड़ेगा. या अब देखो, अगर मैं प्रिसीजन स्कोर फिर से कैलकुलेट करूं और यहां पे मैं डालू वाई टेस्ट और यहां पे मैं डालू वाई प्रेड वन, और यहां पर एक हिडन पैरामीटर होता है एवरेज बोल के, इसका वैल्यू अगर मैं नन सेलेक्ट कर दूं, ये देखो गाइस दो अलग प्रिसीजन वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, ये फर्स्ट लेबल के लिए है और ये सेकेंड लेबल के लिए है. ठीक है, बट हम कौन सा कैलकुलेट करते हैं, हम ओ सॉरी, ये वाला फर्स्ट वाले के लिए था, सॉरी
ये फर्स्ट के लिए था, ये जीरो के लिए था, तो हम जीरो वाला पकड़ते हैं। सिमिलरली अगर मैं फिर से इसको कॉपी करूं और यहां पे वाइपरेट टू दूं तो हम 0.77 पकड़ रहे हैं, ये देखो 0.77। हम हमेशा वन वाले क्लास का प्रिसीजन को पकड़ते हैं, जीरो वाले को छोड़ देते हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन में आप ऐसे ही काम करते हो। सेम गोज विथ रिकॉल स्कोर ऑल्सो। मैं आपको इनफैक्ट दिखाता हूं, अगर मैं यहां पे रिकॉल स्कोर निकालू तो सेकेंड वाला देखो वन है, और यहां पे भी जब आप जाओ तो सेकेंड वाला रिकॉल इज वन। सिमिलरली अगर मैं यहां पे वाइपरेट टू कर दू, वाइपरेट टू कर दू तो सेकेंड वाला इज 0.93 एंड यहां पे यू कैन सी रिकॉल इज 0.93। सो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप जब रिकॉल वैल्यूज कैलकुलेट करते हो ना, तो आप सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं करते हो, जितनी क्लासेस है सभी के लिए करते हो, ठीक है। बट बाइनरी क्लासिफिकेशन में जनरली क्या किया जाता है कि आप पॉजिटिव वाले की ही बात करते हो, क्योंकि आपका पूरा फोकस पॉजिटिव वाले के ऊपर होता है, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो हम वापस चलते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लासिफिकेशन की तरफ, ठीक है। अब मल्टी क्लासिफिकेशन में मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो हमारे पास ये एक एग्जांपल है जहां पे हम एक क्लासिफायर बना रहे हैं और हमारे पास तीन क्लासेस हैं, डॉग, कैट एंड रैबिट, ठीक है। और हमारा जो मॉडल है उसने कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करके आपको दे दिया। दिस इज द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अभी रेड बॉक्स पे फोकस करो, रेड बॉक्स के बाहर अभी फोकस मत करो, पूरा रेड बॉक्स पे फोकस करो। सो यू कैन सी प्रिडिक्टेड वैल्यूज ऊपर की तरफ है और आपकी एक्चुअल वैल्यूज नीचे की तरफ है, ठीक है। सो दिस इज द प्रिडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल वाला कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब यहां पे मैंने क्या किया, मैंने ये टोटल बोल के एक नया कॉलम बनाया। अब ये टोटल क्या कर रहा है, इन वैल्यूज को एड कर रहा है, 25 + 5 + 10 = 40, 0 + 30 + 4 = 34, 4 + 10 + 20 = 34, ठीक है। तो ये टोटल बेसिकली रो वाइज समेशन है। और सिमिलरली एक और टोटल बोल के मैंने रो बनाया जहां पे मैं इस तरीके से एडिशन कर रहा हूं, कॉलम वाइज एडिशन कर रहा हूं, लाइक दिस, ठीक है। अब यू माइट थिंक ये क्या बता रहा है हमें, जस्ट गिव मी वन मिनट, आई रेज इट। सो अगर मैं इसको हटा दूं तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये दोनों टोटल वैल्यूज क्या बता रही है। सो ये टोटल वैल्यू क्या बता रही है, ये टोटल वैल्यू ये बता रही है कि डॉग डेटा में कितने हैं, ओरिजिनली डेटा में कितने डॉग्स हैं, 40 डॉग्स हैं, ओरिजिनली डेटा में कितने कैट्स हैं, 34 कैट्स हैं, ओरिजिनली कितने रैबिट्स हैं, 34 रैबिट्स हैं। और ये वाला टोटल क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मेरे मॉडल ने कितना प्रिडिक्शन किया। सो 29 को उसने डॉग बताया, 45 को उसने कैट बताया और 34 को उसने रैबिट बताया, ठीक है। तो ये बता रहा है एक्चुअल टोटल और ये बता रहा है प्रिडिक्टेड टोटल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस मॉडल का प्रिसीजन कैलकुलेट करना है, हमें इस मॉडल का प्रिसीजन कैलकुलेट करना है। अब प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट होगा, हम पहले प्रिसीजन कैलकुलेट करेंगे डॉग का, पहले लेवल का, फिर हम प्रिसीजन कैलकुलेट करेंगे कैट का, और फिर हम प्रिसीजन कैलकुलेट करेंगे रैबिट का। जितने भी क्लासेस है सबका प्रिसीजन कैलकुलेट होगा। अब प्रिसीजन होता क्या है, हमने यहां पे डेफिनेशन में पढ़ा था कि जितनों को आपने प्रिडिक्ट किया है उनमें से कितने ट्रूली उस क्लास में है, दैट इज व्हाट प्रिसीजन इज। सो अगर मैं यहां पे आऊं, लेट्स टॉक अबाउट डॉग का प्रिसीजन, डॉग के प्रिसीजन की बात कर रहे हैं, प्रिसीजन ऑफ डॉग क्लास। हमें यह निकालना है कि टोटल जितने डॉग्स हमने प्रिडिक्ट किए उनमें से कितने सच में डॉग्स थे। तो हमने टोटल कितने प्रिडिक्ट किए, 29, तो यहां पे आ जाएगा 29, और उनमें से सच में कितने डॉग्स हैं, 25, तो ये वैल्यू आ जाएगा 25। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं, कैलकुलेटर मैंने ओपन कर रखा है, 25 डिवाइडेड बाय 29 इज इक्वल टू 0.86। The precision for dog class is 0.86. अब हम कैलकुलेट करेंगे precision for cat. So हमने total कितने predictions किए हैं cat में, 45. उनमें से कितने सच में cats हैं, 30. So this would be 30/45. So अगर मैं वापस जाऊं और clear करूं और मैं लिखूं 30 divided by 45 0.66. So यहां पे
0.66 मेरा प्रिसिजन है। अब मैं कैलकुलेट करूंगा रैबिट के लिए, रैबिट के लिए टोटल प्रेडिक्शंस कितने हैं 34 और उनमें से कितने सच में रैबिट्स हैं 20। सो ये वैल्यू आ जाएगा 20/34। सो अगर मैं वापस जाऊं और क्लियर करूं और लिखूं 20/34 दिस इज 0.58। सो यहां पे आ जाएगा 0.58। अब हमें क्या करना है, हमें कंबाइंड प्रिसिजन कैलकुलेट करना है। अब कंबाइंड प्रिसिजन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, दो तरीके हैं। एक है आप मैक्रो प्रिसिजन कैलकुलेट करो, मैक्रो प्रिसिजन कैलकुलेट करो। मैक्रो प्रिसिजन में क्या होता है कि आप तीनों क्लासेस का जो प्रिसिजन है उसका एवरेज निकाल दो। सो आप लिखोगे 0.86 प्लस 0.66 प्लस 0.58 डिवाइडेड बाय 3। देख लेते हैं नंबर कितना आ रहा है। सो हम करेंगे 0.86 प्लस 0.66 प्लस 0.58 इक्वल टू 2.1 डिवाइडेड बाय 3.7। सो इस मॉडल का मैक्रो प्रिसिजन वैल्यू इज 0.70। ठीक है, तो ये हो गया मैक्रो प्रिसिजन, जहां पे आप एवरेज निकाल देते हो हर क्लास के प्रिसिजन का। जो सेकेंड चीज होती है वो होती है वेटेड प्रिसिजन, वेटेड प्रिसिजन। इस केस में आप क्या करते हो, हर प्रिसिजन वैल्यू को उसके क्लास के वेट से मल्टीप्लाई कर देते हो। मैं आपको बताता हूं इसका क्या मतलब हुआ। पहले मैं सारे प्रिसिजन वैल्यूज लिख रहा हूं और फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा क्लास के वेट से। सो क्लास का वेट कैसे निकलेगा, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास कितने हैं 40 + 68, 108 आइटम्स हैं। उनमें से कितने डॉग्स हैं 40, तो ये हो जाएगा 40 / 108 प्लस 34/108 और 34/108। ये हो गया आपका वेटेड प्रिसिजन। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं ये वैल्यू कितनी आएगी। क्लियर किया मैंने, मैंने लिखा 40/ इनफैक्ट मैं आपको सीधे कैलकुलेट करके वैल्यू दिखाता हूं। सो गाइज ये वैल्यू आ रही है 0.71। सो इसका मैक्रो प्रिसिजन वैल्यू इज 0.70 और वेटेड प्रिसिजन वैल्यू इज 0.71। अब आपको कब मैक्रो यूज करना चाहिए और कब वेटेड यूज करना चाहिए, आई गेस आपको समझ में आ रहा है। अगर आपके सारे क्लासेस बराबर हैं, ऑलमोस्ट उनका रेशियो बराबर है, इम्बैलेंस नहीं है, बैलेंस्ड है, तो आप मैक्रो प्रिसिजन यूज करोगे। अगर आपके क्लासेस बहुत ही इम्बैलेंस्ड है, एक बहुत ज्यादा एक बहुत कम है, तो आप वेटेड प्रिसिजन यूज करोगे। सिंस यहां पे ये सारी क्लासेस ऑलमोस्ट बराबर चल रही हैं, तो आप मैक्रो प्रिसिजन वैल्यू यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कि कैसे आप कैलकुलेट करते हो प्रिसिजन फॉर अ मल्टी क्लास प्रॉब्लम। अब मैं जल्दी से आपको एक क्विक टूर देता हूं कि रिकॉल कैसे कैलकुलेट होगा। ओके गाइस, अब हम लोग रिकॉल कैलकुलेट करेंगे। जस्ट लाइक प्रिसिजन, रिकॉल भी आप तीनों क्लासेस का इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले आप रिकॉल ऑफ डॉग निकालोगे, फिर रिकॉल ऑफ कैट और फिर रिकॉल ऑफ रैबिट निकालोगे। ठीक है, अब रिकॉल क्या होता है, रिकॉल होता है कि जितने आपके एक पर्टिकुलर क्लास में आइटम्स हैं उनमें से कितने सही से क्लासिफाई हुए, यही होता है। सो अगर मैं वापस जाऊं तो अगर आपको रिकॉल ऑफ डॉग निकालना है तो टोटल डॉग्स कितने हैं 40, उनमें से कितने सही से क्लासिफाई हुए दैट इज 25, दैट इज द रिकॉल वैल्यू। अगर आपको रिकॉल ऑफ एक काम करते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं साथ में। सो विल गो टू द कैलकुलेटर, 25/40 would be 0.62. So this is 0.62.
रिकॉल ऑफ कैट क्या होगा, आपके टोटल कैट्स कितने हैं 34 और उनमें से कितने आपने सही से क्लासिफाई किए 30, तो दिस वैल्यू विल बी 30 डिवाइडेड बाय 34, सो 30 डिवाइडेड बाय 34 इज 0.88 और फिर आप निकालोगे रिकॉल फॉर रैबिट क्लास, सो टोटल रैबिट्स आपके पास 34 थे और उनमें से कितने सही से क्लासिफाई हुए सिर्फ 20, तो इस क्लास का रिकॉल वैल्यू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 34 दैट इज 0.58, सो दिस इज 0.58, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, फिर से आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप मैक्रो रिकॉल निकाल सकते हो विच इज जस्ट द एवरेज ऑफ दीज थ्री वैल्यूज, या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो वेटेड रिकॉल, वेटेड रिकॉल, ठीक है। वेटेड रिकॉल के लिए आप क्या करोगे, आप वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे जैसा आपने प्रिसीजन के साथ किया और आपके पास एक सिंगल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो मैं एक काम कर रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे प्रिसीजन को फिल कर दिया है उसी तरीके से मैं क्या करता हूं, मैं रिकॉल भी फिल कर देता हूं सो दैट मैं आपको दिखा पाऊं कि F1 वैल्यूज आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सो फर्स्ट इज 0.62, सेकेंड इज 0.88 एंड थर्ड इज 0.58, ठीक है। नाउ हमने मल्टी क्लास सेटअप में प्रिसीजन और रिकॉल निकालना तो सीख लिया, अब अगर आपको F1 स्कोर निकालना है तो वो कैसे निकाला जाता है, बहुत ही सिंपल है गाइस। आप F1 स्कोर में भी सेम काम करते हो, आप F1 स्कोर पहले कैलकुलेट करोगे डॉग क्लास का, फिर आप F1 स्कोर कैलकुलेट करोगे कैट क्लास का, और फिर आप F1 स्कोर कैलकुलेट करोगे रैबिट क्लास का। अब F1 स्कोर डॉग क्लास का कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 times प्रिसीजन ऑफ डॉग क्लास मल्टीप्लाइड बाय रिकॉल ऑफ डॉग क्लास डिवाइडेड बाय प्रिसीजन ऑफ डॉग क्लास प्लस रिकॉल ऑफ डॉग क्लास। सो यू कैन सी, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिसीजन ऑफ डॉग क्लास क्या है, तो प्रिसीजन ऑफ डॉग क्लास ये है 0.86, ठीक है। रिकॉल ऑफ डॉग क्लास क्या है 0.62, आप क्या करोगे ये निकालोगे, और इससे आपको मिल जाएगा F1 स्कोर फॉर डॉग क्लास, फिर आप सिमिलरली निकालोगे F1 स्कोर फॉर कैट क्लास, सो ये हो जाएगा PC RD, बेसिकली प्रिसीजन का ये वैल्यू लोगे और रिकॉल का ये वैल्यू लोगे। सिमिलरली आप रैबिट वाले केस के लिए प्रिसीजन का ये वैल्यू लोगे और रैबिट का ये वैल्यू लोगे। अब आपके पास फिर से 3 F1 स्कोर्स आ गए, F1 फॉर डॉग, F1 ऑफ कैट एंड F1 ऑफ रैबिट। अब फिर से आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं, पहला क्या, आप मैक्रो F1 स्कोर निकाल लो या फिर आप वेटेड F1 स्कोर निकाल लो, ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे आपने रिकॉल और प्रिसीजन के केस में किया। And that is how you do it, guys. That is how you do it. इतना ही सिंपल है ये। अब 3 क्लासेस हो या 10 क्लासेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये काम बहुत easily कर सकते हो। अब मैं ये सेम चीज आपको कोड के थ्रू दिखाता हूँ। आपको क्या करना है? मैं आपको MNIST वाला कोड दिखा रहा हूँ। MNIST वाला कोड जहाँ पर हमारे पास there are 10 क्लासेस, 0 से लेके 9 तक अलग अलग डिजिट्स हैं, तो there are 10 क्लासेस। हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये पूरा लॉजिक। सो मैं एक बार ये पूरा कोड रन कर रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं यहां पे सबसे पहले इंपोर्ट कर रहा हूं फ्रॉम sklearn.metrics, आई विल इंपोर्ट प्रिसीजन स्कोर, रिकॉल स्कोर एंड F1 स्कोर। और मैं सबसे पहले आपको निकाल के दिखाता हूं प्रिसीजन की वैल्यूज। सो आई वुड राइट प्रिसीजन स्कोर एंड आई वुड पास y टेस्ट कॉमा
वाइप्रेड वन लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले का आउटपुट, और यहां पे मुझे एवरेज में लिखना है सबसे पहले नन। अगर मैं एवरेज में नन लिखूंगा तो क्या होगा, हर क्लास का प्रिसीजन अलग से कैलकुलेट होके मुझे दिखाई देगा। ये देखो, सो देयर आर 10 डिफरेंट क्लासेस, ये जीरो का प्रिसीजन है, ये वन का प्रिसीजन है, ये टू का प्रिसीजन है, और ये नाइन का प्रिसीजन है। हर क्लास का प्रिसीजन अलग से दिख रहा है, ठीक है। ये सेम कोड अगर आप यहां पे लिखते विथ रिकॉल स्कोर तो आपको ये रिकॉल वैल्यूज मिल जाती हर क्लास के लिए इंडिविजुअल, और सिमिलरली अगर आप यहां पे F1 लिखते तो ये आपका F1 स्कोर होता, ठीक है। अब अगर आपको अलग अलग वैल्यूज नहीं चाहिए, आपको एक सिंगल वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, एवरेज का वैल्यू कर दोगे मैक्रो मैक्रो। जैसे आप मैक्रो करोगे तो मैक्रो एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा और एक सिंगल वैल्यू आ जाएगा। तो दिस इज द मैक्रो प्रिसीजन वैल्यू ऑफ दिस एल्गोरिदम। सिमिलरली अगर मैं यहां भी मैक्रो कर दूं तो आई वुड गेट दिस, ठीक है, और अगर मैं यहां भी मैक्रो कर दूं तो आई वुड गेट दिस, ठीक है। अगर आपको वेटेड चाहिए तो आप लिखोगे वेटेड, और वेटेड ये आ रहा है, ये रहा आपका वेटेड, ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू कैलकुलेट। अब अगर आपको अलग अलग ये सब कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक सिंगल तरीका भी है साइकिटलर्न में, एक चीज होती है, एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। मैं आपको वो रन करके दिखाता हूं, इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ये क्या करेगा, एक ही साथ सब कुछ कैलकुलेट करके आपको दे देगा। सो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वाई टेस्ट वाइप्रेड वन, और ये देखो गाइस, सबसे पहले आपको हर पर्टिकुलर क्लास का प्रिसीजन रिकॉल और F1 स्कोर मिल रहा है। ये सपोर्ट बता रहा है कि वो पर्टिकुलर क्लास डेटा में कितनी बार है। सो जीरो जो है वो 821 टाइम्स है, वन जो है वो 962 टाइम्स है। इस तरीके से यू कैन सी कि हर क्लास के लिए इंडिविजुअल प्रिसीजन रिकॉल और F1 स्कोर आपके पास है, और फिर मैक्रो एवरेज है तीनों चीजों का। बाय द वे यहां पे एक्यूरेसी भी दिया हुआ है, एक्यूरेसी भी निकाल के दिया हुआ है, और मैक्रो एवरेज है प्रिसीजन का, रिकॉल का, F1 स्कोर का, और वेटेड एवरेज है प्रिसीजन का, रिकॉल का, और F1 स्कोर का। एंड इफ यू डोंट वांट टू डू ईच वन ऑफ देम इंडिविजुअली, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट विल जनरेट एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, हमें इतना ही पढ़ना था। बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ हमने ये पूरी चीज कवर कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मेट्रिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।